हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज के वीडियो में हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे चाइल्ड कस्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन जो आप लोगों के हैं कि चाइल्ड कस्टडी आखिरकार किसको मिलेगी। जनरली लोगों के मन में एक क्वेश्चन आता है कि चाइल्ड कस्टडी उसी को मिलेगी जो माँ होगी, जो छोटा बच्चा है चाइल्ड कस्टडी केवल और केवल माँ को मिलेगी। लेकिन कानून में ऐसा कहीं भी नहीं कहा गया कि चाइल्ड कस्टडी केवल मदर को मिलेगी, फादर को नहीं मिलेगी। बहुत सारे पिता हैं वो अटेम्प्ट करते हैं कि उनको चाइल्ड कस्टडी मिल जाए लेकिन उनको चाइल्ड कस्टडी नहीं मिलती है। कुछ लापरवाहियां वो लोग कर जाते हैं चाइल्ड कस्टडी के केस को लेके। आज उन लापरवाहियों के बारे में और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए चाइल्ड कस्टडी के केस में, आपको वही मैं आप लोगों को आज डिटेल बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आ रहे हैं, अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ एक हम्बल रिक्वेस्ट और है, अगर आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं लखनऊ दिल्ली इलाहाबाद में तो अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराकर मुझसे मिल सकते हैं, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाला है। देखिए दोस्तों, जो मैंने कुछ अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे पॉइंट्स बनाए हैं, जो कहते हैं कानूनन भी वही चीज़ लिखी है, बेयर एक्ट में भी वही चीज़ लिखी हुई कि आखिरकार चाइल्ड कस्टडी किसको मिलेगी। जो एक मैंने आपको शुरुआती वीडियो में ही बता दिया कि लोगों के मन में कन्फ्यूज़न है कि अगर बच्चा छोटा है तो चाइल्ड कस्टडी केवल और केवल उसकी माता को मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे जजमेंट हैं जिसमें एक लेडी जो है एडल्ट्री में रह रही थी और उनसे चाइल्ड कस्टडी वापस ले ली गई और उनके हस्बैंड को दे दी गई, क्योंकि कोर्ट ने माना कि जो एडल्ट्री में लेडी रह रही वो अपने बच्चे का बेहतर हित नहीं कर सकती है, इसलिए चाइल्ड कस्टडी हस्बैंड को दे दी गई यानी कि फादर को दे दी गई। अब यहाँ पर आपको सबसे बेहतर पांच पॉइंट्स में जो आपको बताने जा रहा हूँ, सॉरी चार पांच पॉइंट्स जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उन चार पांच पॉइंट्स का अगर आप ध्यान रख लेते हैं, उन चार पांच पॉइंट्स को अगर इम्प्लीमेंट रियलिटी में करते हैं तो आप समझ लीजिए चाइल्ड कस्टडी बतौर फादर आपको भी मिल सकती है। कोर्ट चाइल्ड कस्टडी देने से पहले सबसे पहले ये देखती है कि बच्चा किसके पास सुरक्षित है, कि मदर के पास सुरक्षित है बच्चा या फादर के पास सुरक्षित है। अगर मान लीजिए पिता शराबी है, शराब पी के रोज इधर उधर नाटक कर रहा है, नौटंकी कर रहा है, या मदर एडल्ट्री में रह रही है, तो बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसलिए कोर्ट उस कंडीशन में अगर मदर एडल्ट्री में है तो मदर को कस्टडी नहीं देगी, और फादर अगर शराबी है व्यभिचारी है तो फादर को भी बच्चे की कस्टडी नहीं दी जाएगी। दूसरी चीज़ क्या हो गई, अब कोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखती है कि बच्चे का बेहतर देखभाल कौन कर सकता है। जनरली छोटे बच्चों के कंडीशन में माना जाता है कि मदर उनकी बहुत बेहतर देखभाल कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है, फादर भी बहुत बेहतर देखभाल कर सकते हैं। फादर अगर फाइनेंशियली स्ट्रांग है, अपने बच्चे को उसकी रेयरिंग केयरिंग में लगने वाले सारे धन को खर्च कर सकता है, उसकी दवाइयों और इलाज पर बेहतर इन्वेस्टमेंट कर सकता है, उसके भविष्य के निर्धारण के लिए अच्छा इन्वेस्टमेंट कर लेगा, कुछ बेहतर अगर उस बच्चे के लिए कर सकता है, तो फादर अगर करने में सक्षम है तो कोर्ट फादर को भी चाइल्ड कस्टडी दे सकती है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट तीसरा पॉइंट जो है वो देखा जाता है कि बच्चे को बेहतर शिक्षा कौन दे सकता है। अगर फादर पैसा कमा रहे हैं, फादर अपने बच्चे को बेहतर एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, ना कि मदर कमा दे सकती है। अगर मदर अनएजुकेटेड है या मदर के पास जो है कोई फाइनेंशियल रिसोर्सेस नहीं है, संसाधन नहीं है कि वो बच्चे को बेहतर शिक्षा दे सके, तो ऐसी कंडीशन में कोर्ट फादर को भी चाइल्ड कस्टडी दे सकती है। लेकिन ये सारी चीज़ें आपको प्रूफ करनी रहेंगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी देखा जाता है कि कोर्ट ये देखती है कि बच्चे को बेहतर संस्कार कौन दे सकता है। आप बाप हैं, आप प्रूफ करिए कि आप बेहतर संस्कार दे सकते हैं। आप माँ हैं तो आप प्रूफ करिए आप बच्चे को बेहतर संस्कार दे सकते हैं। जो भी बच्चे को बेहतर संस्कार देने में सक्षम होगा, अच्छी शिक्षा देने में सक्षम होगा, बच्चे का भविष्य जिसके पास बेहतर हो सकता है, बच्चे का भविष्य जिसके पास सुरक्षित हो सकता है, उसको चाइल्ड कस्टडी दी जा सकती है माननीय न्यायालय के द्वारा। अब देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो ये चारों पॉइंट्स मैंने बताए हैं, अगर आप इसको कोर्ट में प्रूफ करने में सक्षम हो गए बतौर हस्बैंड या वाइफ, तो आप बच्चे की कस्टडी ले सकते हैं। अब देखा है मैंने कि जैसे ही मैट्रिमोनियल डिस्कॉर्ड होता है, हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई झगड़ा शुरू होता है, पत्नी क्या करती है, मायके तुरंत उठ के चली गई। अब वो मायके चली गई, मायके जाने के बाद वहां से वो बच्चे को भी लेके चली गई। अब हस्बैंड क्या करता है, उन पे प्रेशर क्रिएट करने के लिए फटाफट जल्दी जल्दी चाइल्ड कस्टडी का केस डाल देता है। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। अगर आप इस तरीके से इमीडिएटली केस डाल देंगे तो वो कहीं ना कहीं निगेटिव चला जाएगा, क्योंकि आप चाइल्ड कस्टडी का केस डालोगे अपने शहर में, आपकी पत्नी रह रही दूसरे शहर में। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आपको चाइल्ड कस्टडी का केस करना है तो चाइल्ड कस्टडी का केस वहां पर होगा जहां पर बच्चा रहता है, ना कि आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड जहां पर रहते हैं। क्योंकि ये माना जाता है कि लिटिगेशन की वजह से बच्चे को डिस्टर्बेंस ना हो। जैसे मान लीजिए कि आपका बच्चा कोई है वो हॉस्टल में रह रहा है देहरादून में, आप रह रहे हैं हमारे शहर लखनऊ में, आपके हस्बैंड हमारे दूसरे शहर दिल्ली में रह रहे हैं,
तो हस्बैंड सोचेगा मैं दिल्ली में चाइल्ड कस्टडी डाल दूं या लखनऊ में डाल दूं, नहीं वहां नहीं पड़ेगी, जहां बच्चा रह रहा है वहां पर चाइल्ड कस्टडी पड़ेगी, अदरवाइज आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा। जनरली आप वकील साहब के पास जाएंगे, वकील साहब कहेंगे चलो केस डलवा दे रहे हैं, लेकिन वकील साहब पैसा चला जाएगा क्योंकि वो अपनी फीस लेंगे और अल्टीमेटली आपका केस रिजेक्टेड हो जाएगा, 100% रिजेक्टेड हो जाएगा, क्योंकि जहां पर बच्चा निवास कर रहा है आपको चाइल्ड कस्टडी का केस वहीं पर डालना है। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आपको चाइल्ड कस्टडी का केस जीतना है तो अपने आपको वहां पर बेरोजगार नहीं दिखाना है। ऐसा ये केस हुआ था, एक हस्बैंड थे, उन्होंने अपनी पत्नी की मेंटेनेंस की पिटीशन में दिखा दिया कि वो बहुत बेरोजगार है, उनकी फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा नहीं, मात्र 8-9 हजार रुपए पाते हैं, किसी कपड़े की दुकान पर काम करते हैं, और उनके बच्चे को कोई बीमारी थी जिसकी वजह से उसको हर महीने 3,000-4,000 रुपए के इंजेक्शन लगते थे। कोर्ट ने फादर को कस्टडी नहीं दी, उसने कहा कि अगर भाई आप 6-7-8 हजार रुपए कमा रहे हैं तो 3,000 बच्चे का अगर इंजेक्शन मंथली लग रहा है तो आप कैसे दे देंगे। तो बच्चे का अगर आपको कस्टडी लेना है तो आपको खुद को बेरोजगार नहीं दिखाना है। पता चला वहां की पिटीशन में आप बेरोजगार खुद को दिखा के आए या कम पैसा कमाने वाला दिखा के, और यहां पर अपने आप को दिखा रहे हो कि हम बहुत बड़े धन्ना सेठ हैं, हम कस्टडी लेने में सक्षम है, सब कुछ कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। तो कॉन्ट्राडिक्टरी पिटीशंस में नहीं होना चाहिए। अगर आपको बच्चा वास्तविकतम चाहिए तो आप अपना जो फाइनेंशियल स्टेटस है एज इट इज है उसको एज इट इज कोर्ट को दिखाइए। अगर एज इट इज दिखाने में आप सक्षम होते हैं और कोर्ट आपसे कन्विंस हो जाती है तो चाइल्ड कस्टडी आपको मिल जाएगी। और चाइल्ड कस्टडी के मैटर में डालने से पहले ये भी एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, चाइल्ड कस्टडी डालने से पहले हमेशा ये प्रूफ कलेक्ट करिए कि आपने अपने बच्चे से मिलने की बहुत सारी कोशिशें करी, आपकी वाइफ ने मिलने नहीं दिया, क्योंकि कोर्ट पूछती है कि आपने